नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी बोल रहा हूं। साथियों, अक्सर लोग मेरे पास सलाह करने आते हैं, बहुत सारी तकलीफें दुख परेशानियां मुझसे बांटते हैं और मैं अक्सर उनको एक सलाह देता हूं। कभी कभी तो परेशानियां इतनी ज्यादा रहती है, वो मुझसे कहते हैं जरा भी नज़र नहीं आ रहा है भविष्य में क्या होगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और जो सलाह मैं उनको देता हूँ वो एक सलाह आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। हो सकता है जीवन में बहुत तकलीफें हों, हो सकता है व्यापार में तकलीफें चल रही हो, बहुत कंपटीशन हो, कोई मेजर स्टाफ छोड़ के जा रहा हो, प्रोडक्ट लाइन गड़बड़ हो, हो सकता है परिवार में तकलीफें चल रही हो, भाई भाई से न पट रही हो, पिता बेटे की न सुन रहा हो, बेटे पिता की न सुन रहे हो सकता है समाज में कुछ दिक्कत चल रही हो सकता है यारों से कुछ दिक्कत चल रही हो सकता है स्वास्थ्य की कोई दिक्कत चल रही हो। लेकिन एक पाठ हमेशा याद रखना, जब दूर नजर ना आए, जब कोई समाधान नजर ना आए और ढेर सारी मुश्किलें हों, ऐसा लगे कि पता नहीं जीवन कैसे कटेगा, उस दिन बहुत दूर का देखने की कोशिश मत करना। अभी ठंड का मौसम है और मैं इस वक्त जहां बैठा हूं वहां चारों तरफ कोहरा है। इस कोहरे से सीखना, जब चारों तरफ कोहरा होता है तो हम कभी दूर का देखने का प्रयास नहीं करते, हम अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी पावर अगला कदम देखने में लगा देते हैं। जब आप एक कोहरे में गाड़ी से चल रहे होते हैं तो 2-4-5 फीट दूर तक जितना दिख जाए बस उतना ही देखते हुए पूरी सजगता से, पूरे समर्पण से, पूरे आत्मविश्वास से, पूरी तन्मयता से सिर्फ उतना सा देखते हुए आप गाड़ी चलाते हैं। जब आप कोहरे में पैदल चलते हैं तो 2-4 कदम दूर बस जितना दिख रहा है उतना ही देखते हुए विश्वास के साथ धीरे धीरे चलते हैं। तो जब जिंदगी में बहुत तकलीफें हों, कोई रास्ता नजर ना आए, तो ज्यादा दूर का देखने की सोच के, ज्यादा भविष्य का सोच के, ज्यादा लंबी दूरी का सोच के अपने आप को और तनाव मत दो। जितना पास देख सको, एक कदम भी देख सको सही रास्ते में, तो एक कदम चल पड़ो। एक एक कदम चलते चलते सुबह का सूरज उग जाएगा और कोहरा छट जाएगा। और कुछ भरोसा ऊपर वाले पर रखो, इस सृष्टि पर रखो, इस ब्रह्मांड पर रखो, क्योंकि आपने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और ब्रह्मांड के अकाउंटिंग में कभी मिस्टेक नहीं होती। जब आप एक एरोप्लेन में बैठते हैं तो आप पायलट को नहीं जानते, कभी उसको मिला भी नहीं, कभी उसको देखा भी नहीं, लेकिन आप उसके भरोसे अपने आप को, अपने जीवन को हवाले कर देते हैं। जब आप एक पानी के जहाज में, एक शिप में बैठते हैं तो आप कैप्टन को नहीं जानते हैं, लेकिन आप अपने आप को शिप के हवाले कर देते हैं। जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो आप ड्राइवर को नहीं जानते, फिर भी आपको पूरा विश्वास रहता है कि ये ट्रेन आपको डेस्टिनेशन पर लेके जाएगी, क्योंकि ये ट्रेन बनी इसलिए। ठीक उसी तरीके से ये जीवन आपको ईश्वर ने दिया है। आप यकीन मानिए, आप एक एक कदम देखते चलिए और सही रास्ता रखिए, ड्राइविंग सीट में वो बैठा है वो सही जरूर करेगा, इतना भरोसा रखिए इस ब्रह्मांड पे, इस सृष्टि पे, क्योंकि ये ब्रह्मांड आपका किया हुआ कई गुना करके लौटाता है। यदि आपने लोगों को प्रेम किया है तो कई गुना प्रेम लौट आएगा, यदि आपने लोगों की तारीफ की है तो कई गुना तारीफ लौट के आएगी, यदि आपने लोगों का सच्चे दिल से भला किया है तो वो भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, यदि आपने कभी भी कहीं भी किसी की भी मदद की है तो याद रखना वो मदद आपके पास लौट के आएगी, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील पर सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, चाहे कोई भी नाम दे दो, वो बैठे हैं।
तो साथियों, ये कोहरे की तरह जिंदगी की तकलीफों को बस एक एक कदम करके निकालो। और याद रखो, रात कितनी भी काली क्यों ना हो, कितनी भी घनी क्यों ना हो, अंधेरा कितना भी भयानक और भयावह क्यों ना हो, उसके बाद सूरज जरूर उगेगा। किसी रात की औकात इतनी नहीं है कि वो सूरज को स्थायी रूप से रोक ले, किसी बादल की हैसियत इतनी नहीं कि वो सूरज को स्थायी रूप से ढक ले। सूरज की पहली किरण आएगी और अंधेरा चीर के रख देगी। ठीक इसी तरीके से एक एक कदम चलते रहिए, सही दिशा में, बस दिशा गलत मत करना, सही दिशा में एक एक कदम चलते रहिए, सूरज जरूर उगेगा। और बड़ी से बड़ी तकलीफ हल करने का यही एक रास्ता है। ज्यादा दूर की सोच के आज अपने आप को परेशान मत करिए, ज्यादा भविष्य की सोच कर मुश्किल वक्त में आज वर्तमान को नष्ट मत करिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।